जय हिंद बच्चों, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची जो 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक 2022 चल रहा है, उब तक कौन प्रधानमंत्री भारत के रहे और कब तक उनका कार्यकाल रहा उसके बारे में। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको बारे में सभी लोग जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक चला। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा उनकी मृत्यु के बाद बनी, जो मई 27 से लेके जून 9 तक 1964 तक रहे। उसके बाद फिर बनाए गए लाल बहादुर शास्त्री ने कार्यकाल संभाला 9 जून से लेकर 1964 से लेकर जनवरी 11 1966 तक का कार्यकाल संभाला। फिर एक बार गुलजारीलाल नंदा वापिस आए, जिन्होंने जनवरी 11 से लेकर जनवरी 24 1966 तक का कार्यकाल संभाला। फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जनवरी 24 1966 से लेकर उनका कार्यकाल मार्च 24 1977 तक रहा। इनका 11 साल का कार्यकाल रहा। उसके बाद फिर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल मार्च 24 1970 से लेकर जुलाई 28 1979 तक चला। फिर चरण सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल जुलाई 28 1979 से लेकर जनवरी 14 1980 तक चला। उसके बाद फिर से चुनाव हुए और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी, जनवरी 14 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक वो प्रधानमंत्री रही, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद राजीव गांधी उनके बेटे प्रधानमंत्री बनाए गए, अक्टूबर 31 1984 से लेकर दिसंबर 2 1989 तक वो प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर इनकी भी मृत्यु हो गई, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिसंबर 2 1989 से लेकर नवंबर 10 1990 तक ये प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर इनको कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर जून 21 1991 तक रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, इनका कार्यकाल जून 31 1991 से लेकर मई 16 मई 1996 तक का कार्यकाल रहा। 5 साल इन्होंने लगभग पूरे किए। पहले अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल प्रधानमंत्री बने थे, जो केवल और मात्र 15 दिन के प्रधानमंत्री थे। मई 16 को इनका कार्यकाल 1996 शुरू हुआ और जून 1 1996 को ही इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल जून 1 1996 से शुरू हुआ और अप्रैल 21 1997 तक चला। उसके बाद इंदर कुमार गुजराल प्रधानमंत्री भारत के बने, इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक चला। फिर एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल संभाला, 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद मनमोहन सिंह की बात की जाए, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 22 मई 2004 को और 26 मई 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, 26 मई 2014 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल हैं।